वेलकम बैक। आज ये वीडियो च आपां गल करांगे संयुक्त समाज मोर्चा दी, जेड़ी एक अंदोलन चो निकली हुई पार्टी है। केड़े अंदोलन चो? किसान अंदोलन दे विचों निकली हुई पार्टी। किसान अंदोलन 21st सेंचुरी दा द मोस्ट सक्सेसफुल अंदोलन सी। बहुत ही यूनीक अनोखे ढंग दा अंदोलन सी, जिहदे विच आम लोकां दी इन्नी ज्यादा शमूलियत सी कि उन्हूं कल्ले किसानां दा अंदोलन भी कहना औखा लगता, क्योंकि वह जन अंदोलन ही लगता सी। अद्धे तो वध पंजाब उहदे च शामिल सी। किसान अंदोलन तीन खेती कानूनों के खिलाफ आपां नूं पता बनाया गया, उहदे खिलाफ उन्होंने खड़ा किया, क्योंकि वह तीन खेती कानून जथेबंदियां जिहड़ियां किसान जथेबंदियां सी उन्हां नाल अग्री नहीं सी। किसान जथेबंदियां नूं सी कि इह जिहड़ी किसानां दी होंद नूं खत्म कर देगा, किसान अपने खेत दे विच ही मजदूर बन के रह जाणगे। इदां दे होर बहुत तत्थ नाल किसान जथेबंदियां वल्लों दित्ते गए। लोकां ने, किसानां ने ट्रस्ट किया, भरोसा किया इन्हां आगूआं ते, और इस अंदोलन दे विच वध चढ़ के अपनी शमूलियत दित्ती और मेला लगाया शंभू बॉर्डर के उत्ते, जिथे सड़कों के उत्ते किले बन गए, जिथे तंबू गड्ढे जाके सड़कों के अपने पंजाब के हर एक पिंड चो आलमोस्ट लोग 2-4-5 सिंघू बॉर्डर से या होर किते धरनिया से जिहड़े किसान अंदोलन के लगे सी टोल प्लाजिया से उत्ते गए ही होंगे सी, मौजूद होंगे सी। कोई भी पंजाब का पिंड इदां दा नहीं होगा जिहड़ा जिन्हां दे विचों लोग किसान अंदोलन के अपनी शमूलीयत नहीं दे के आए। कहण दा भाव है कि यही किसान जथेबंदी संयुक्त किसान मोर्चा दे विच जिहड़े आगू सी, इन्हां दी कॉल दे उत्ते एड्डी वड्डी सपोर्ट किसान अंदोलन दे रूप दे विच लोकां ने इन्हां नूं दित्ती, लोकां ने इन्हां ते भरोसा जताया और वो खेती कानून वापिस करा के परते। तीन खेती कानून जिहड़े आ प्रधानमंत्री मोदी वापिस लै लैंदे आ, उस तो बाद भी किसान उठदे नहीं आ। किसान जथेबंदियां दा इह ऑर्डर ही हुंदा इक तरह दा कि तुसीं बिल पास करो संसद दे विच और इह तिन्ने कानून रद्द करो, फिर असीं उठांगे, कि सानूं प्रधानमंत्री ते भरोसा नहीं है। सो कहण दा भाव है कि इन्ना ज्यादा रोब आपां कह सकदे हां इन्हां किसान आगूआं दा सी। पर अज दे समें दे विच या आपां गल करिए जिद्दण इह फतेह मार्च करके पंजाब दे विच आउंदे आ 11-12-13-14 दिसंबर नूं, उस टाइम एक दुविधा जिहड़ी आ उह किसानां दे मूंह ते आराम नाल ईजीली एविडेंट सी। मीडिया दे कैमरियां दे विच भी कैद हुई, उन्हां दे बयानां च भी कैद हुई और कई अखबारां च भी छपदी है। वह दुविधा किसान आगूआं दी इह हुंदी है कि असीं पंजाब दीआं आउण वालीआं इलैक्शनस दे विच पार्टीसीपेट हिस्सा लईए, एक धिर बन के खड़े होईए या नहीं। और नहीं दे विच इह सीगा वी या उह कुछ इदां दे लोकां नूं जिहड़े लोक हितैषी लीडर ने उन्हां नूं सपोर्ट करन, उन्हां नूं पिछे तों इलैक्शनां दे विच उन्हां नूं अपना समर्थन देन, बट उह आप एक राजसी धिर बन के सामने ना आउण, एक सियासी धिर बन के सामने ना आउण। एक कन्फ्यूजन कई दिन चली, उस तो बाद संयुक्त समाज मोर्चा नाम का मंच बना लेंदे आ पंजाब दे उही आगू जिहड़े संयुक्त किसान मोर्चा दे बैनर दे हेठ विच किसान अंदोलन च जित प्राप्त करन तक किसान अंदोलन नूं लै आउंदे और जित के करन नूं आउंदे आ। उही SSM नाम का संयुक्त समाज मोर्चा एक तड़ा बना लेंदे आ, सियासी तड़ा। पर द मूवमेंट वह तड़ा बनता, उस तो बाद भी किसान आगूआं दी कन्फ्यूजन सामने रहती है, दुविधा सामने रहती है। दुविधा होंगी है पहला 22 जथेबंदियां सिर्फ संयुक्त समाज मोर्चा च आदि हैं, उस तो बाद उन्हों का नंबर घट के 17 रह जाता। 17 तो भी हम शायद डावाडोल हो रहे हैं, कई इदा दबर देखने को मिलती ने। गल ये है कि जोड़ा संयुक्त समाज मोर्चा वो इन्ना कन्फ्यूज क्यों है? संयुक्त समाज मोर्चा के नाल सब तो वीडी जी है लोगों की ताकत सी, जिहड़ी होर भी किसी पोलीटिकल पार्टी के नाल या किसी भी पोलीटिकल बंदे दे नाल देखण नूं नज़र नहीं आती, बट किसान अंदोलन दे विच यही आगूआं दे नाल पूरा पंजाब उमड़ पिया सी इन्हां दे नाल अपने हक मंगण नूं। किसान अंदोलन दे विच जिहड़े किसान आगू सी अगे सीगे जिहड़े, उन्हां नूं जिहड़ा रुतबा मिलिया, वह रुतबा जदों उन्हां ने एक सियासी धिर बना ली, वह रुतबा किते ना किते इस तरह लग रहा है कि उन्हें नुकसान पहुँच रहा है। वह उन्हों का सियासी रुतबा जोड़ा नवा क्रिएट होना चाहिए सी, लोगों की सपोर्ट के नाल वो नहीं कर पा रहे। संयुक्त समाज मोर्चा के आगू उन्हों का एक जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि ये जी पार्टी अंदोलन चो निकली पार्टी और अंदोलन के पंजाब का हर एक पिंड शामिल सी, हर एक लोग शामिल सी। अपनी जेब चो खर्चा करके लोग आप अपनी जेब चो पैसे कट के तेल पवा के ट्रैक्टर के होर अपने वाहनों के सिंघू बॉर्डर या होर जिथे भी वह जा सकते किसानों की सपोर्ट च जाते। सो इतें किसानां दी सपोर्ट या पंजाब दे लोकां दी मजोरिटी सपोर्ट SSM दे नाल ना होवे सवाल नहीं पैदा हुंदा, बट ए हो इस तो उल्ट रहा है। अज संयुक्त समाज मोर्चा किते भी इस पक्ष दी हुई सियासी जिहड़ी मंडी आ पंजाब दी इहदे विच नज़र नहीं आ रहा, किथे कमी रह गई। हालांकि संयुक्त समाज मोर्चा दे नाल तां सब तो वध सपोर्ट सी, संयुक्त समाज मोर्चा दी
संयुक्त समाज मोर्चा की कमी इतने रह गई। मैनू लगता भी हजे तक भी अपनी कोई पॉलिसी रोडमैप जिथे सिर्फ 25 दिन इलैक्शन दे विच रह गए ने एक अपना रोडमैप नहीं दे पा रहा है। वो इंडस्ट्रियलिस्टा दे लई, व्यापारिया दे लई, सिक्ख्या दे लई, हॉस्पिटल्स दे लई, बेरोजगारी नू दूर करन दे लई, पंजाब दे करजे दे लई, होर ता होर वो किसानां दे लई भी एक अपना मॉडल नहीं पेश कर पा रहा है। लोगों के लिए जिहड़े उहदे च संयुक्त समाज मोर्चा के आगू आ उन्हां दी काबिलियत ते कोई शक नहीं किया जा सकता। वो बहुत काबिल लीडर ने जिहड़े पिछले 4 या 5 दहाकियां तो लगातार किसानां दे लई संघर्ष कर रहे हैं। सो एक किसानां दा मॉडल तो उन्होंने बहुत वड्डे लैवल ते लोगों अगे रख के उन्हों प्रचारना चाहिए ताकि किसानां नू ये उम्मीद बन सके कि संयुक्त समाज मोर्चा साडियां मुसीबतां दा हल कर सकदा। जिवें कि सब तो वड्डा मुद्दा किसानां ते अज भी खड़ा है उन्हां दे उत्ते जिहड़ा करजा आ उस करजे दा, उन्हां दा करजा व्याज लगी जा रहा, दूणा तीना होई जा रहा, बट उन्हों खत्म करन दे लई भी संयुक्त समाज मोर्चा वालों हजे तक कोई पॉलिसी नहीं दिती गई। जदों सिर्फ 24 या 25 दिन रह गए ने संयुक्त समाज मोर्चा दीआं टिकटां नूं लैके भी लड़ाई, टिकटां जिहड़ियां दी लड़ाई वो हर एक पार्टी दे विच आ, सो दैट इज़ नॉट रियली अ इशू। बट द पॉइंट इज़ कि जिहड़ा रोड मैप संयुक्त समाज मोर्चा वालों पंजाब नूं देना चाहीदा सी उन्हां लोकां नूं हजे तक क्यों नहीं दे पा रहा है। वो अपना कोई भी प्लान, कोई भी अपना विजन या एजेंडा वो लोगों के सामने क्यों नहीं रख पा रहे खुल के, ना ही वो किसान जिहड़ियां प्रॉब्लम्स आ उन्होंने बड़ा उभार पा रहे। किसानों की प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ 3 खेती कानून नहीं सी, 3 खेती कानून तो अजे लागू भी नहीं सी हुए, सो 3 खेती कानून अपनी प्रॉब्लम किसानों की नहीं सी, पंजाब के किसानों की प्रॉब्लम है उन्होंने मिलदियां नकली दवाइयां, उन्होंने मिलता अगर उन्होंने किसी नैचुरल कारण करके उन्होंने फसल का नुकसान हो गया तो सरकार वालों उन्होंने कोई हेल्प नहीं की जाती, किसी तरह उन्होंने को इंश्योरेंस नहीं है फसलों की, और अगर सरकार प्रोमिस भी कर दें कि असी इन्ना मुआवजा देवे वह भी मुआवजा उन्होंने किसानों नहीं मिलता। और सब तो वड्डी गल है जिहड़े किसान परिवार है उन्होंने करजा बहुत है, करजा लेना पैंदा वह किसान की मजबूरी बन चुका है, सो वो किसान वो जिहड़ा करजा है वह वाधा रहिंदा। लेकिन इत्थे किसानों की एक पार्टी आई है संयुक्त समाज मोर्चा आई है जिहड़ी कि प्योरली किसान आगूआं दी, वो किसान आगू जिन्हां ने प्रधानमंत्रियों तक संघर्ष किए ने, प्रधानमंत्रियों भी वो कहिंदे असीं दबका मार के बोलते रहे हैं, उन्हां दी पार्टी है। पर उस संयुक्त समाज मोर्चा अज अपने प्रचार दे विच अपने प्लान, अपने एजेंडे, अपने रोडमैप नूं लोकां दे अगे क्यों नहीं रख पा रहा। अज वो जिहड़ा रुतबा ये जिहड़े किसान आगू जिन्हां ने फर्दर आके पार्टी बनाई है, जिन्हां नूं उस किसान अंदोलन दे विचों वो माण सतिकार उन्होंने मिलता सी, मिलिया उन्होंने जिहड़ा बहुत वड्डे लैवल ते, वो अज किते ना किते इदां लगता भी उस माण उस रुतबे नूं नुकसान हो रहा जदों दी पोलीटिकल पार्टी संयुक्त समाज मोर्चा बनाई है। क्योंकि ये संयुक्त समाज मोर्चा का असली विजन पंजाब दे लई की है वो हजे तक भी ये पार्टी और पार्टी के मैंबरस लोगों अगे खुल के रख नहीं पाए। जदों किसान अंदोलन चलता सी उस टाइम अगर कोई किसानों के खिलाफ कोई जाना बयान भी दे दिंदा सी या कोई छोटा जा सेंटेंस कोई शब्द भी बोल दिंदा सी किसानों के खिलाफ तो इन्नी इनटॉलरेंस की भावना क्रिएट हो गई सी, लोग बर्दाश्त नहीं सी करते, लोग टॉलरेट नहीं सी करते कि तुसीं किसानों के खिलाफ इदा किदा बोल सकते हैं। सो अज उस सपोर्टर किसान अंदोलन वाले ये संयुक्त समाज मोर्चे के नाल क्यों नहीं आ रहे, इस सवाल के उत्ते भी काफ़ी जिहड़ा अगे फर्दर एक्सपलोरेशन है वो संयुक्त समाज मोर्चा नूं करनी चाहिए है। जिहड़े पंजाब दे लोग आ यस वो बदल चाहुंदे आ, जिहड़े पंजाब दे लोग आ वो चाहुंदे आ वी इक कोई नवे लोग आउण, नवी सरकार आवे जिहड़ी एक नवी पॉलिसी लैके आवे और घट तो घट करप्शन नूं खत्म कर दे, घट तो घट हर थां ते जिहड़े पैसे दे के काम करवाउणा पैंदा इहनूं खत्म करे। सब तो वड्डी जिहड़ी मेजोरिटी आ पंजाब चों किसानां दी है, किसानां दीआं जिहड़ियां प्रॉब्लम्स आ वो बहुत एविडेंट प्रॉब्लम्स आ, उन्हां दी फसल खराब होनी और उन्हां ते करजा। सो किसान जथेबंदियां दी तां एक्सपर्टीज़ आ किसानों दे मुद्दे, वो किसानों दे मुद्दियां ते भी हजे कोई अपना रोड मैप नहीं पेश कर सके। जबकि मैनू परसनली उम्मीद सी कि अगर किसान अपनी पार्टी बना के आउणगे तो सब तो वड्डी गल है किसानों के मुद्दे जरूर सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि किसान आगुआं तो उपर का एक्सपर्ट ना कांग्रेस चा ना अकाली दल चा ना आम आदमी पार्टी चा परसैप्शन सी। पर अज यही संयुक्त मोर्चा किसानों के हक की भी कोई पॉलिसी कोई मास्टर प्लान देने दे विच फेल हो रहा, जदों बाकी पार्टियां इस भखदे हुए सियासी अखाड़े दे विच अपना जोरदार प्रचार कर रही हैं उत्थे अज संयुक्त समाज मोर्चा अपने
किस ढंग नाल काम करेगा आने वाले समय दे विच, उहदा किसी भी ढंग का कोई प्रचार लोगों तक नहीं पहुँच रहा। जबकि यही संयुक्त समाज मोर्चा दे विच जिहड़े आगू सी इन्हां ने किसान अंदोलन एक बहुत वड्डे लैवल ते लोक हितैषी जन हितैषी अंदोलन बनाता सी। सो इन्हां नूं किसान आगुआं नूं ये जिहड़ी पार्टी है संयुक्त समाज मोर्चा, इस पार्टी नूं भी जन हितैषी पार्टी लोगों की अपनी भले की पार्टी इस तरह लोगों अगे प्रस्तुत करना चाहिए ताकि लोगों को ये फीलिंग आए। अज के समय के संयुक्त समाज मोर्चा गायब लग रही है, इस पक्ष के अखाड़े के संयुक्त समाज मोर्चा गायब लग रही है। कभी आम आदमी पार्टी ना अलायंस का चक्कर, कभी CPI के नाल, कभी टिकटों की वंड नूं लैके शोर गुला जो भी पैंदा। सो द पॉइंट इज कि संयुक्त समाज मोर्चा के जिहड़े आगू आ बड़े सूझवान आगू ने, उन्हां दी काबिलियत ते शक नहीं किया जा सकता, पर वह इस मैनेजमेंट दे विच इस पार्टी नूं ऑर्गेनाइज करन दे विच क्यों फेल हो रहे ने, क्यों कामयाब हुंदे नज़र नहीं आ रहे। जदों संयुक्त समाज मोर्चे दे कोल नौजवान आगू ने, नौजवान लोगों नूं टिकटां दित्तियां ने, बहुत पढ़े लिखे आगू ने जिन्हां नूं टिकटां मिलियां ने, अगर संयुक्त समाज मोर्चा एज ए पार्टी अपने एजेंडा नूं अपने विजन नूं लोकां अगे खुल के नहीं रखेगा तो मैनू लगता है कि जिहड़ा माण सतकार या आपां कह लईए जिहड़ा रुतबा उस किसान अंदोलन दे विचों कमाया है किसान आगूआं ने, उहनूं किते ना किते अथे नुकसान होएगा। संयुक्त समाज मोर्चा नूं लोकां दी जिहड़ी उम्मीद बनी है, जिहड़ी होप लोकां नूं संयुक्त समाज मोर्चा तों है, इन्हां आगूआं तों है, इन्हां चेहरियां तों है, वो नहीं टुटन देनी चाहिए। पूरी करनी उम्मीदों बाद की गल है, वह जदों जित के चोणों तो बाद जित के विधानसभा से जाएंगे उस तो बाद पूरी होएगी, पर फिलहाल वो उम्मीद नूं तां बरकरार रख्या जा सकता। जिहड़ा संयुक्त समाज मोर्चा है उहदे लई इह जिहड़ा समां है वह नाओ और नैवर वाला है। दिस इज़ वट माई टेक इज, क्योंकि इस जिहड़ा चोण अखाड़ा डेफिनेटली पूरा मगया होया, पूरा तपया होया, इहदे विच किसानों वालों किसान आगुआ वालों अपना रोडमैप अपनी पॉलिसी जल्दी तो जल्दी लोगों के अगे रखनी चाहिए ताकि वह अपना मन बना सकन।